हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी दो प्याजा की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चाहे आप इसे रोटी के साथ खाइए, पूरी परांठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। साथ में दही बूंदी का रायता बनाइए तो इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने जहाँ आधा किलो भिंडी ले ली है, जिसे मैंने पहले अच्छे से वॉश करके उसके बाद एक कपड़े पे आपने डाल देना है ताकि इसका पूरा मॉइस्चर जो है सूख जाए। उसके बाद आपने इसे कट करना है। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो ये भिंडी जो है लेस छोड़ना शुरू कर देती है। तो जहाँ मैंने चार प्याज ले लिए, जिसमें से दो प्याज जो है ऐसे चार पीसेस आपने करने हैं और इसका एक एक फ्लैप जो है आपने अलग कर देना है, क्योंकि हम भिंडी दो प्याजा बना रहे हैं तो इसके लिए दो बार हम इसे तड़का लगाएंगे। तो जहाँ देखिए, हमने प्याज का सारे फ्लैप्स जो है अलग कर लिए हैं और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ओके, तो जहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, और फ्रेंड्स जो भिंडी है वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छी, टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। तो तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसके बाद जो है हम इसमें भिंडी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा भी इसको ब्राउन नहीं करना है, लेकिन इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो एक एक भिंडी जो है अच्छे से फ्राई होगी तो ये सब्जी जो है बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी। तो इसको फ्राई होने देते हैं। तो तब तक हम जो है ये तड़का, इसमें एक और तड़का लगाएंगे। उसके लिए जो हम प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वो कट कर लेते हैं। तो ये हैंड चॉपर जो है इसी में कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ किचन के जो गैजेट्स होते हैं हमारा काम जो बहुत इजी कर देते हैं, मिनटों का काम सेकंड्स में हो जाता है। तो इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये चॉपर का पूरा डिटेल में आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया हुआ है। तो वो आप चाहो तो उसको वॉच कर सकते हो और ये चॉपर अपने किचन में आप भी ले सके आ सकते हो। तो यहाँ देखिए, हमारी भिंडी जो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इनका कलर चेंज हो गया है। तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, एक स्टील की प्लेट में ही निकालना है। प्लास्टिक की एकदम आपने प्लेट इसमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि भिंडी गर्म है ये। तो हमने सारी भिंडी इसमें से निकाल लेनी है और उसके बाद सेम कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल और डालेंगे और जो अनियन हमने फ्लैप्स अलग अलग किए थे उनको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अभी तेल इसको भी गर्म होने देते हैं और उसके बाद वो अनियन भी मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं। तो वीडियो को पूरा आप एंड तक वॉच कीजिए और ये सब्जी आप जब अपने घर में बनाएंगे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, हमारे जो अनियन हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें भी हमने निकाल लेना है। और इस सब्जी में थोड़ा तेल ज़्यादा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो भी ये सब्जी बना के लेके जा सकते हैं और परांठे के साथ बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। तो थोड़ा सा तेल मैंने और डाल दिया है और तड़का एक और लगाएंगी। इसमें मैंने डाल दिया साबुत जीरा और जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च हमने कट की थी उसको भी हमने डाल दिया और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है इस तड़के को। उसके बाद तड़का जब भून जाएगा, इसी में हमने थोड़े से मसाले ऐड कर देने हैं। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो तड़के में आप मसाले डालते हैं ना, उसका फ्लेवर ही अलग आता है। तो मैंने जहाँ हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा जीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, और उसके बाद इनको भी अच्छी तरह से आपने कर लेना है फ्राई। और फ्रेंड्स, जो मैंने टमाटो भी दो लिए थे उसको भी मैंने उसी चॉपर में चॉप कर लिया था, तो उसको भी ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने कर लेना है फ्राई। तो नमक मैंने अभी नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे। ओके, इस सब्जी को आप दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये जो भिंडी है ये समर वेजिटेबल है और हमें सीजनल सब्जियां ही खानी चाहिए। और भिंडी को तो बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जो भी तरीके हैं हर तरीके से भिंडी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। स्टफ्ड भिंडी, बेसन वाली भिंडी, दही वाली, इवन तवा फ्राई भिंडी, किसी भी तरीके से भिंडी बनी हो बहुत यम्मी लगती है। ओके, तो यहाँ हमारा तड़का अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसमें भिंडी हमने ऐड कर देनी है और स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कितनी खिली खिली हमारी भिंडी बनके रेडी हुई है और बिल्कुल इसमें लेस नहीं है। तो बस दो मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे ताकि जो भी हमने तड़का इसमें ऐड किया है या जो भी मसाले इसमें ऐड किए अच्छी तरह से भिंडी के साथ लग जाए, बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो जो भी ऑफिस जाते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। भिंडी की सब्जी बना के रखिए, सुबह उठिए अपने परांठे बनाइए और आपका टिफ़िन रेडी है। और अगर आप घर में खा रहे हैं तो इसे दाल बनाइए इसके साथ, या फिर दही बूंदी का रहता, जिसकी कि वीडियो आपके साथ मैंने लास्ट शेयर की थी, उसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट करना और बहुत ही बढ़िया लगती है।
तो चलिए जी, हमारी भिंडी की सब्जी बन चुकी है। अब इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, बाउल में ये गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी हमने सर्व कर दी है और साथ में क्रिस्पी परांठे बनाइए और ये भिंडी को इंजॉय कीजिए। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, आई होप आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और फ्रेंड्स, ये सब्जी आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करना और मेरे साथ अपना फीडबैक भी शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यही करते हैं वीडियो का एंड और आपके साथ मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय।